गाइस यहाँ पर देखिए जलेबी हमारी बनती हुई और छोटू उस्ताद बनाते हुए और बहुत ही शानदार ये बना रहे हैं जलेबियाँ। हमें एक दो ट्रेन यहाँ पर मिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम जा सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। तो ये देखिए हमें इस वाली रूट से जाना है, ये दिख रहा है आपको, इस वाली रूट से हमें जाना है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, ये देख सकते हैं आप गाइस। हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सब लोग कैसे होंगे? तो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ 2 दिन की छुट्टी पे फिर से अपनी दीदी के घर। तो इस बार कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, तो कुछ क्रिएटिव करेंगे। मुझे तो अभी शाम के बज रहे हैं यहाँ पर 5:30 और मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस आया रूम पर और मैंने नहा धोके बिल्कुल फ्रेश होके एकदम अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और बस पकड़ता हूँ। बस पकड़ने के बाद उसके बाद आपको प्रोसेस पता ही है, मेट्रो, फिर फलाना फलाना फलाना। तो अभी हम चलते हैं गाइस, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो हे गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर पहाड़ सड़क के किनारे और ये देखिए आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। वाओ! और मैंने सोचा था कि बाहर मौसम गर्म होगा तो इसलिए मैंने एक कोक ले ली थी। तो मैं बैठा हूँ, देखिए अभी यहाँ एक पीछे छोटा सा खेत है, मतलब अभी खरपतवार यहाँ पर निकली है तो पीछे खेत है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं आप काले काले बादल ऊपर, गाइस ये देखिए, और बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने सोची भी ना थी कि ऐसा मौसम होगा यार, पर लेकिन मज़ा आ रहा है। और मेरे हेयर स्टाइल भी बिल्कुल ख़राब हो गए हैं क्योंकि हवा इस तरफ से चल रही है तो सारे बाल इस तरफ उड़ा के ले जा रही है। तो अभी लेते हैं कोक का मज़ा। गाइज बहुत सुकून मिला यहाँ पर बैठ के भी और कोक पी के भी, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज भगवान हमारे साथ है, बहुत अच्छा मौसम कर रखा है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ मौसम कितना अच्छा हो रहा है, वैसे तो पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, फिर भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज मौसम बेहतरीन होता हुआ, वो देखिए बादल लगे हुए हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है। A few moments later. तो गाइस हम बैठ चुके हैं यहाँ पर बस में और देखिए बस यहाँ पर चल पड़ी है, पसीने काफी आ चुके हैं, करते हैं सफर। अब बस में बैठ चुके हैं तो अभी टाइम बहुत लगेगा पहुँचने में दिल्ली। मिलते हैं आपसे बाद में, करते हैं बस का सफर। गाइस ये देखिए बाहर का नज़ारा, क्या मौसम हो रहा है, बहुत ही झकास और हवा पूछो मत ऐसे छुके जा रही है ना, उफ। ये देखिए दोस्तों बारिश का पूरा मौसम हो रहा है, इंद्रदेव कभी भी बरस सकते हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हमने ले लिए टिकट। तो अब हम जा रहे हैं दीदी के घर की तरफ, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ के एरिया से तो आप रूबरू हैं, तो यहाँ दिखाने के लिए तो आपको कुछ नहीं है। क्या बोला, क्या बोला? साले का खोपड़ी तोड़ साले नहीं है, बट लेकिन ये है कि हम जो सफर कर रहे हैं वो सफर आपको जरूर दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही पर दिखाएंगे। ओके गाइस, A few inches later. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर मेट्रो भी आ चुकी है। तो अब हम बैठते हैं मेट्रो में और चलते हैं बहन के घर की तरफ, लेते हैं मेट्रो के मजे। तो गाइस हमेशा की तरह हमने अपनी कॉर्नर वाली सीट पकड़ ली है और हम इत्मीनान से मजे से बैठ चुके हैं फुल एसी की हवा में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो हमेशा की तरह। तो लेते हैं एसी का मजा और सफर का मजा और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जहाँ भी दिलचस्प चीज मुझे नजर आएगी वो अपने दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, परिवार वालों के लिए मैं जरूर लेके आऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा और आपको देखना पड़ेगा। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर हौज खास और थोड़ी ही देर में यहाँ से हम बदलने वाले हैं अपनी मेट्रो। आप देख सकते हैं पब्लिक कितनी है यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि लोगों के बीच में रह के ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है, सबसे बड़ी बात ये। तो हमने अपना ट्रैक पकड़ रखा है, अपने ट्रैक में चल रहे हैं।
तो यहाँ से हम बदलेंगे अपनी मेट्रो। तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर इतनी भीड़ है कि कहीं से भी कहीं तक पैर रखने की जगह नहीं हो रही है। अभी तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, दोबारा से वापस नीचे आऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि भीड़ कितनी हो रही है। बाबा गाइस ये देख सकते हैं आप, क्या ही झुंड लगा है यहाँ पर लोगों का। देखिए इस तरफ भी देखिए आप, वाह। हमें एक दो ट्रेन यहाँ पर मिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम जा सकते हैं मुझे ऐसा लगता है। तो ये देखिए हमें इस वाली रूट से जाना है, ये दिख रहा है आपको, इस वाली रूट से हमें जाना है। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, ये देख सकते हैं आप गाइस। 2000 years later. तो hey guys, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पालम, और हम अपने अंकल के स्वीट शॉप पर हैं जहाँ लास्ट टाइम आपने मुझे देखा था। तो यहाँ से मैं जलेबियाँ पैक करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई ने तो मुझे बताया नहीं, तो भाभी का कॉल आया था मेरे पास, तो भाभी कह रही थी कि भाई कह रहे थे कि जलेबी लेके आना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, मतलब मैं यहाँ जलेबी लेने के लिए खड़ा हूँ। और ये देखिए हमारी जलेबियाँ यहाँ पर बनती हुई। गाइस यहाँ पर देखिए जलेबी हमारी बनती हुई और छोटू उस्ताद बनाते हुए, और बहुत ही शानदार ये बना रहे हैं जलेबियाँ, और ये उसके बाद चाशनी में डिप करेंगे और उसके बाद हमें देंगे। गाइस इस तरफ है हमारे चचा की शॉप मिठाई की, और मैं अक्सर यहाँ से ही मिठाई लेता हूँ। तो इस शॉप का नाम है बीकानेर शॉप, और ये पालम के अंदर है। तो मैं तो यहीं से ही मिठाइयाँ ले जाता हूँ दोस्तों, तो आप भी ट्राई कीजिए एक बार कभी आके, मुझे तो बहुत पसंद है यहाँ की मिठाइयाँ। A few inches later. तो hey guys, finally हम पहुंच चुके हैं अपनी सिस्टर के घर, और ये देखिए पीछे सिस्टर बना रही है खाना, और ये रहे हमारे बच्चे लोग, ये बैठा आयुष, और यहाँ पर है Hello. ये देखो दादी अम्मा, पागल ना बिट्टू। हेलो ब्रो, हेलो गाइस, हेलो ब्रो, हाय कर दे, गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों मैंने बैग भी नहीं उतारा, बैग उतारते हैं, रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं, बाय। Tomorrow, day two. Hello guys, good morning, नमस्ते, आप सब लोग कैसे होंगे। तो कल तो मैं खाना पीना खा के सो चुका था, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं तसल्ली से सोया हूँ, आप मेरी आंखें देख सकते हैं, अभी भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। बट मैं उठा तो मैंने कहा क्यों ना एक क्लिप बना ली जाए, और सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और दीदी घर में तो मुझे हमेशा ही सुकून ही मिलता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ हर महीने 2 दिन की छुट्टी लेके, ताकि मैं वो सुकून के पल जी सकूँ। तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, मेरी नज़रों से देखिए, आइए गाइस। ये देखिए कबूतर अभी बैठी थी और चली गई उड़ के, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आज भी बारिश हो, और होनी भी चाहिए, हमें इंजॉय जो लेना है बारिश का। कितना अच्छा सुहाना मौसम है, पक्षियाँ उड़ रहे हैं यहाँ पर, वो देखिए टैंकी के ऊपर एक पक्षी और बैठा हुआ है।